क्लास में क्लास सिक्स मैथ्स, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 3D शेप। 3D शेप पिछले दो दिनों से इसका क्लास करवाया जा रहा है, जिसमें हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और इनके जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो सब आपको बताया गया, खास करके क्यूब और क्यूबॉइड। इन सब के अलावा इसमें कोन और स्फीयर, ये भी दो सॉलिड फिगर हैं, तो आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ये रहा कोन, ठीक है। कोन को हम शंकु भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फिगर कैसा हो, आपने कभी इस तरह की आकृति देखी है? ये आपको एक बर्थडे कैप की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। होता है ना बच्चों को जो बर्थडे वगैरह में पहनाया जाता है, कुछ कुछ तरह का ही एक टोपी, एक कैप की तरह यह शेप होता है। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये जो ऊपरी हिस्सा होता है ये कुछ इस तरह से कर्व, ठीक है, और नीचे तो बिल्कुल प्लेन होता है, ओके। तो इसमें हम लिखेंगे a cone has one edge, आप ये देख सकते हैं ये जो आपको ये हिस्सा तो दिख रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि इसका किनारा है, ठीक है, ये एज है। और नेक्स्ट है a cone has two faces, किसी भी कोण में दो फेस होते हैं और इस दो में जो है एक फेस जो होगा वो कर्व फेस होगा और एक फेस जो होता है वो प्लेन फेस होगा, ठीक है। इसके बाद एक कोण हैज वन वर्टेक्स, मतलब कोण में सिर्फ एक ही वर्टेक्स होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों भी वर्टेक्स हो सकते हैं तो ऐसे भूल ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल गोल होते हैं, ठीक है। किनारा यानी कॉर्नर, कॉर्नर को ये हुआ कोना, तो इसमें एक ही वर्टेक्स होते हैं। तो कोण के बारे में इतना काफी है, और याद रखें कि ये 3D शेप क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है आप देख सकते हैं ये एक हाइट है, ठीक है, ये एक हाइट है। और अगर यह गोलीय पाथ है, सर्कुलर पाथ है, तो यह रेडियस होगा, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एल है। लिखेंगे इन दिस फिगर h is equal to height, r is equal to radius and l is equal to slant height, ठीक है। तो ये जो l आपको दिख रहा है यह कुछ और नहीं बल्कि यह slant height, ठीक है। तो अब आइए आपको इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें मैं बतला दूं। देखिए ये चीजें आपके बुक में डीपली नहीं दिया गया है, बट अगर आप इन सब चीजों के बारे में अगर अभी कुछ अच्छा या कुछ ज्यादा जान लेते हैं तो आपको अगले क्लास में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इसी पर्पस से आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे देखिए आप यहाँ नोटिस करेंगे कि ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है और ये जो रेडियस और ये मेरा है। चलिए हम इस टुकड़े को बाहर कर लेते हैं,
आर है, ये एच है और ये एन। अगर मान लीजिए गिवन हो हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन एल इज इक्वल टू व्हाट? आपसे पूछ बैठेगा कि ये जो एल है, ये जो स्लैंट हाइट है, इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, क्योंकि जब कोई भी लाइन सीधा परपेंडिकुलर हो तो वो 90 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करता है, और 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होता है वो उस त्रिभुज का सबसे लंबा भुजा होता है, सबसे लंबा साइड। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पूरा मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम में आपको बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा गया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर एंड इट्स बेस। तो ये देखिए आपको ये फर्स्ट दिख रहा है, ये बेस है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए बेस है, ठीक है, और ये जो सीधा लंबवत है ये पार्ट परपेंडिकुलर है, और ये जो हिस्सा है ये आपको जो टेढ़ा दिख रहा है ये कुछ समय के लिए मान लो ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया हमने कि जो सबसे लंबी भुजा होती है यानी एच, उसका जो स्क्वायर होता है वह इसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी एडिशन के इक्वल होता है। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अब मैं देखूँ तो हाइपोटेनस एल है, ये जो आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर, ये एच है, और ये जो बेस है ये यहाँ फिलहाल आ रहा है। तो फॉर्मूला आपको चूंकि एल फाइंड कर रहे हैं तो एल की जगह एच है तो एच की जगह एल भी पुट कर सकते हैं, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बी है तो बी किसके इक्वल होगा फिलहाल आर के, प्लस बी बी किसके इक्वल होगा एच के। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम एल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर। तो देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16, दैट मीन्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 जिसका वैल्यू होता है 25। और मैंने बताया था अगर एल का वैल्यू फाइंड करना है तो स्क्वायर को दूसरी ओर भेजिए, स्क्वायर जब भी दूसरी ओर जाता है तो वो बन जाता है रूट अंडर 25। इसके बाद एल इज इक्वल टू 25 को दो हिस्से में दो समान अंक में विभक्त कीजिए, 5 5 जा 25 होता है, यानी कि दो 5 है तो एक 5 इसका बाहर आ जाना है, तो यही 5 सेंटीमीटर जो होगा वो एल का वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ भी कर सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एल इज इक्वल टू 5 आपका आंसर हो गया। तो ये जो है सेंटीमीटर यूनिट में सेंटीमीटर, इसलिए हमने एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फुट कर। अब देखिए कि सपोज एल इवन रहेगा, रेडियस इवन रहेगा तो हाइट पूछेगा, और हमेशा याद रखिए स्पोर्ट के लिए हाइट भी जरूरी होता है, रेडियस की जरूरत होती है। तो लेंथ, ये जो स्लैंट हाइट होता है ये इसलिए दे दिया जाता है ताकि आप उसे हाइट फाइंड कर सके। ठीक है, तो ये चीजें आपको जब क्लास नाइन्थ में आप जाओगे तो उस समय, या एट या नाइन्थ में, तो उस समय आपको इसका सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम, ये सब फाइंड करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इसलिए नॉलेज दे दिया गया है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत आगे ना हो। ठीक है,
हम स्टार्ट करते हैं स्फेयर। स्फेयर स्फेयर को हम लोग कहते हैं गोला। ठीक है, देखिए इसका नाम ही स्फेयर है, यानी इसका जो नेम है वो गोला, गोला यानी गोल। ठीक है, लाइक अ फुटबॉल, लाइक अ बॉल। ठीक है, तो इसका सेम कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, आप लाइक अ फुटबॉल आप देख सकते हैं। ठीक है, स्फेयर ये गोला है, ये गेंद मैंने फिगर के तौर पर ले लिया है, ये भी एक एग्जांपल है स्फेयर का। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें एज, आप इसमें कहीं भी ना तो इसमें एज देखते होंगे, ना तो इसमें कोई वर्टेक्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे इट हैज नो एजेस। ठीक है, दूसरा लिखिए इट हैज नो वर्टेक्स, इसमें एक भी वर्टेक्स नहीं होता है। और तीसरा जो टॉपिक है इसके बारे में, इट हैज ओनली वन कर्व फेस, मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मात्र फेस होता है, वो भी पूरा का पूरा फेस कर्व होता है। ठीक है, तो स्फेयर के बारे में सिर्फ इतना ही मैं बताऊंगा आज। और इस तरह से आपका 3D शेप में जो भी इम्पोर्टेंट फिगर्स थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बाद हम लोग जो है कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.1। साइज 16.1 देखिए, सबसे पहला जो सवाल है इसमें कहता है नेम एनी फोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर एनवायरमेंट व्हिच हैव द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। दो एग्जांपल, मतलब कि आपको यहाँ चार ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऐसे चार ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल लिखने हैं जिसका शेप नंबर फर्स्ट में दिया गया है क्यूबॉइड की तरह, नंबर सेकंड में दिया गया है क्यूब की तरह। तो आप अपने आसपास ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। आपने बुक का शेप देखा हो, वह एक क्यूबॉइड की तरह होता है ना। मैच बॉक्स आपने देखा होगा, माचिस का डब्बा, वो भी एक क्यूबॉइड की तरह होता है ना। इसके अलावा आपने मोबाइल का शेप देखा होगा, बेसिकली वह भी एक क्यूबॉइड की तरह होता है। ज्योमेट्री बॉक्स आपने देखा होगा, वह भी एक क्यूबॉइड शेप में ही होता है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हमें लेना है क्यूब का, यानी क्यूब के भी हमें चार एग्जांपल्स लेने हैं। तो सबसे जो पहला एग्जांपल आप लेंगे वो लेंगे डाइस, है ना। आपने लूडो देखा ही होगा, लूडो जो काफ़ी प्रसिद्ध खेल है, इसमें जो एक छक्के के रूप में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जो चौकोर होता है उसे हम डाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये डाइस का जो शेप होता है वह फुल्ली क्यूब की शेप में ही होता है। क्यूब क्या है? इसके बाद ग्लास क्यूब, कांच का बना हुआ रहता है। आपने पेपर वेट देखा होगा अक्सर, है ना, बड़े बड़े ऑफिस में कुछ लिखने के लिए या काफ़ी तेज हवा हो तो उससे पेज उड़ ना जाए, हवा में उड़ ना जाए, इसके लिए उसे दबाया जाता है। इसे ग्लास कांच का छोटा सा टुकड़ा होता है, अक्सर वो भी क्यूब के ही शेप में पाया जाता है। कुछ तो स्फेरिकल शेप गोल भी होते हैं, मतलब वो अलग अलग डिजाइन होते हैं। इसके बाद कार्टन बॉक्स, आपने घर में अक्सर जो भी सामान आते हैं घर में वो एक खास तरह के कार्टन में पैक करके दिया जाता है, तो अक्सर कार्टन बॉक्स भी क्यूब शेप में पाया जाता है। उसके बाद एक रूम ले सकते हैं, ठीक है,
तो रूम जो होता है उसका जो शेप होता है अक्सर वह भी क्यूबिकल होता है, क्यूब शेप होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मन से कोई भी चार ऑब्जेक्ट्स ऐसा लें जो क्यूबॉइड और क्यूब शेप में हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ क्यूबॉइड। सबसे पहले आपको एक क्यूबॉइड का डायग्राम बनाना है, जैसा कि कल मैंने परसों मैंने बनाया था। Level its vertices at S P Q R S T U V and W. अब जैसे कि मैंने जो कलियर परसों जो फिगर क्यूबॉइड का बनाया होगा उसमें मैंने A B C D E F G H लिया था, आपको P Q R S T U V W ये आठ लेटर वहाँ पुट अप करने हैं और उसके पश्चात उसके जो है फेस और एज इसका नेम आपको लिखना है। तो जिस प्रकार से मैंने फेस और एज का नेम लिखा था आपको उसी के अनुसार यहाँ भी लिखने हैं उसके फेस और एज का नाम। और ध्यान रहे कि वहाँ मैंने जो अल्फाबेट यूज किया वो ए बी सी डी ई एफ जी एस था, लेकिन यहाँ जो आपको लेटर यूज करने हैं वो है पी क्यू आर एच डी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, और उसके बाद इसके फेस और इसके एज के नेम आप खुद से लिखें। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री है ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ क्यूब। अब आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि क्यूब को रिप्रेजेंट करे। कहता है लेवल इट्स वर्टिसेस एज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब उसका नेमिंग आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी ग्रुप हो, जैसे मैंने बताया था क्यूब में मैंने भी तो चूंकि वही नेम दिया था, और उसके बाद उसके फेस और एज का नाम आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है फिगर 16.2 रिप्रेजेंट्स अ क्यूबॉइड। फिगर 16.2 जो है वह एक क्यूबॉइड को प्रदर्शित करता है। कहता है द लेंथ ऑफ द एजेस ए ई ई एफ एंड एफ जी आर इंडिकेटेड एज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली इंडिकेटेड द लेंथ ऑफ ऑल अदर एजेस। सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर उसके बाद ए बी सी डी,
उसके बाद सी डी एच टू, ये हो गए इसके चारों लेटरल फेसेस, जो कि एक लेटरल फेस पहले ले रखा है। आपको कहीं से भी उसका एक या तो ऊपर से नीचे की तरफ में या फिर साइड टू साइड में, ये सभी के सभी फेस जो होंगे लेटरल फेसेस होंगे। और मैंने फेस का नेम लिखने का भी तरीका आपको बताया था नोट। इसके बाद ऑल्सो नेम द लाइन सेगमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। इसके बाद वे सभी के सभी लाइन सेगमेंट्स भी लिखने हैं जो क्यूबॉइड के हाइट को प्रदर्शित करेगा। तो अगर हाइट को प्रदर्शित करेगा तो आप हाइट में अभी तुरंत मैंने यहाँ पर लिख डाला है, ये जितने भी साइड हैं ये सभी लाइन सेगमेंट ही हैं, तो आप इसी चीज़ को वहाँ रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कल के लिए आप लोग नोट डाउन कर लें कि भाई कल एक्सरसाइज 16.1 जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1-5 कंप्लीट करके लाना है। और मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।